टीले ही टीले हैं चारों साइड में, आप देख ही लो। और आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताते हैं, रास्ता हुआ रहेगी। हम हमारी जो SLX है लेके आए थे, और पता नहीं कहाँ पे आ गए हम, लगभग बॉर्डर के पास में आए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर है जो, उसके पास में आए। और गाड़ी हमारी 10 बार फंस चुकी है पहले, और ये देखो हालत हो रखी है, पूरे बाल से भर गए, फंस गई ऐसे टीले पर खड़ी है हमारी गाड़ी। ये देख लीजिए, मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ। ये देख लीजिए, ये बैक कैमरे से है, और इस तरीके से कुछ रेगिस्तान है, और गाड़ी हमारी फंस चुकी है, और पता नहीं कैसे निकलेगी, कोई पता नहीं है। और चारों तरफ में मुझे एक ये घर दिखाई दे रहा है, और साइड में कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। देख ले, आपको कहीं दिखा, शाम का समय हो रखा है, अभी कोई भी घर नहीं है। मैं आपको चारों साइड से बताता हूँ। तो मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि देखो, हम लोग रहते हैं सिटियों में वगैरह, तो आप देख लीजिए लोग यहाँ भी रहते हैं इतने बड़े धोरों के अंदर, कुछ इनके पास आजीविका के लिए खेत है, नहरें आ रखी है, हमारे पीछे भी नहर है। तो सल्यूट है उन नहर वालों को जिन्होंने मतलब इतने रेत के टीलों में आज से 50-60 साल पहले जो नहरें निकाली और लोगों को यहाँ पे बसाया। लोग कहते हैं, सुना है हमने कि यहाँ पे पहले पानी भी नसीब नहीं होता था, तो ये नहरें आने के बाद में पानी भी आया है, लोग यहाँ रहने भी लग गए हैं। तो बहुत ही बड़ी संख्या में पैसे भी लगे हैं, और मेहनत भी लगी है इसमें, जो ये नहर आई है हमारे इंदिरा गांधी, तो बहुत ही बड़ी हम तो मानते हैं। कि आप देख लीजिए चारों साइड में बंदर है, और बंदरों में अभी तो पानी नहीं है, अभी तो क्या हुआ कि आंधियाँ आती है तो रेत से वो नहरें भर जाती है। तो ये अब शायद अक्टूबर में नहर जो है इसकी रेत निकलेगी बाहर, और फिर पानी आएगा। सर्दियों में यहाँ पे पूरी हरियाली रहती है, और अभी तो मानो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से लगभग पाकिस्तान की बॉर्डर है, जो आपको मैं बता दूँ वो इस साइड में है, देखो जहाँ पे सूरज ढल रहा है इस साइड में, लगभग हमारे से 20 किलोमीटर पे है, 20 किलोमीटर हम थोड़े पीछे रह गए, और गाड़ी फंस चुकी है। और यही बस बताना था कि किस तरीके से मैंने खुद ने आज पहली बार देखा गाड़ी हमारी अंदर जा रही है, तो अब गाड़ी निकालनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा अब इसे बैठे रहने से। तो हम निकालते हैं गाड़ी, उसके बाद में मिलते हैं। अभी किस तरीके से गाड़ी निकाली आपको बता नहीं सकते, गाड़ी हमने निकाल दी है, अब हम जा रहे हैं हमारी जगह पे जहाँ पे जाना है। ये देख लीजिए, इन धोरों के अंदर से हम ले जा रहे हैं हमारी धौड़ की, बताओ धौड़ की आगे। हाँ आगे दौड़ो भाई, हाँ ध्यान लाया, अरे बहुत खतरनाक चढ़ाई आ चुकी है। देखते हैं किस तरीके से, यहाँ के हैवी ड्राइवर है ये, हम जी धीरे 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 गाड़ी बहुत जंप कर रही है, और ये हमारे हैवी ड्राइवर घरों के अंदर से निकालते हुए। तो इस तरीके से कुछ ऑफ रोडिंग हो गई, और हमारे को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता रात को दिखेगा नहीं, और ऐसे बड़े बड़े रेत के टीले हैं, तो टीलों के अंदर हम रात को कहीं गुम हो गए ना, अगर गाड़ी फंस गई, बंद हो गई, कुछ भी हो गया, तो भाई साहब ओहो, तो रात को यहाँ पे पानी भी नहीं मिलेगा, बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से टीले हैं यहाँ पे, हम तो 2-3 बार गाड़ी फंसी है, तो मतलब पानी भी नहीं पिया अभी तक, बहुत बड़ी प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा।
अरे अभी हम यहाँ पे आए, गाड़ी रोकी और अभी हमारे को एक हिरन दिखा। ये बहुत ही प्यारा है, आ नहीं रहा बाप, पास नहीं आ रहा है। ये इनका ना कंधा नहीं रहा है। अरे ये शर्मा रहा है, डर रहा है। अरे अरे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम वहाँ से निकल गए थे और घर आ गए थे क्योंकि रात पड़ गई थी, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं आपको नए वीडियो।